हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे सिलेक्शन मेंटर यूट्यूब चैनल पे। और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी को दुरुस्त बनाने के लिए हमने ये एक बैच शुरू किया है जिसमें आप लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं FCI मेन्स के एग्ज़ाम की या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की, लाइक रेलवे NTPC CBT 1। सारे लोगों ने फॉर्म फिल कर रखा होगा, उसके लिए पार्ट नंबर 1, 2, 3 ऑफ परसेंटेज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पार्ट नंबर 1, 2, 3 देख लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर ले, अपने फ्रेंड्स को बताना ना भूले। तो देखिए, अभी हमने पार्ट नंबर 1, 2, 3 को पढ़ा। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा, समझिए इस बात को, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लें। पार्ट नंबर 1 में हमने बेसिक जो परसेंटेज होते हैं, ट्रिकी वाले परसेंटेज, उसका रेशियो में कन्वर्ट करना सीखा, फ्रैक्शन में सीखा उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, और जो स्पेशल फ्रैक्शन है उनके हमने परसेंटेज भी याद कर लिए, ठीक है, और जो कैसे हम डिराइव करते हैं जो स्पेशल काइंड ऑफ परसेंटेज, वो भी हमने याद कर लिए। सेकेंड वाले में हमने देखा कि उस पर बेस्ड वाले कैसे ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और हमने रिविजन भी किया पार्ट नंबर 2 में। और पार्ट नंबर 3 में हमने ऐसे वाले कुछ क्वेश्चन किए थे जिसके अंदर ए इज इक्वल टू बी इन टू सी हम बोल सकते हैं कि या इसको कॉन्स्टेंट रखने के लिए अगर इसको बढ़ा रहे हैं तो इसको कितना घटाएं, तो ट्रिकी वे में 1 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन किए पार्ट नंबर 2 में हमने, और ये भी किया कि हम कैसे उस परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करके बहुत इजी से आंसर निकाल सकते हैं। तो पार्ट नंबर 3 नहीं देखा तो देख लें, क्योंकि पार्ट नंबर 3 को कंटिन्यू करते हुए ये पार्ट नंबर 4 जिसमें हम बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं, ठीक है। तो जो पार्ट नंबर 3 में हमने पढ़ाया था उसके बेसिस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो अब लेते हैं जिससे आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, शुरू करते हैं सेशन को। वीडियो को शेयर एंड लाइक एक बार कर दें सारे लोग, ठीक है। चलिए, क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 1, कहता है अगर किसी शहर की पॉपुलेशन, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल पार्ट नंबर 3 के लास्ट में भी कराया था, उसी के जैसा क्वेश्चन है, सब लोग करेंगे, अगर नहीं करें तो अब कर लें, पार्ट नंबर 3 को भी देखें। किसी सिटी की पॉपुलेशन की बात अगर मैं करता हूं, किसी शहर की पॉपुलेशन कितनी है, नहीं दी है उसने, लेकिन ये कहा है कि फर्स्ट ईयर में किसी शहर की पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर में 16 से ही 2/3% की बढ़ोतरी होती है। समझ में आ गई बात, इस तरीके का क्वेश्चन था, थोड़ा सा चेंज है इसमें। और सेकंड ईयर में, अच्छा परसेंटेज सारी सेम है इसमें, अलग है इसमें, सेकंड ईयर में 37 से ही 1/2, 37.5%, जैसा कि आपको याद भी होगा, इतने प्रतिशत की डिक्रीमेंट होता है। और थर्ड ईयर में दिया हुआ क्वेश्चन में हमारे 57 से ही 1/7% की बढ़ोतरी होती है। ये होने के बाद आफ्टर 3 ईयर दिया है पॉपुलेशन कितनी है, आफ्टर 3 ईयर पॉपुलेशन इज इक्वल टू, पॉपुलेशन कितनी दे रखी है, 16,500। तो सवाल आपके सामने हो गया है, अब आपको बताना है स्टार्टिंग में कितनी पॉपुलेशन थी, शुरुआत में कितनी पॉपुलेशन थी बिफोर 3 ईयर्स, ठीक है, शुरुआत में कितनी पॉपुलेशन थी, तो पॉपुलेशन बताना है कितनी थी। सवाल समझ में आ गया, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें और कोशिश करें कि आप कमेंट बॉक्स बॉक्स में अभी इसका आंसर दे पाएं, ठीक है। समझेंगे जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था, सबसे पहले तो मैंने आपको यह समझाया कि आप, चलिए मैं थोड़ा 10 सेकंड का आपको टाइम देता हूं, देखते हैं कितने लोग यहां पे आंसर कर पाते हैं। चलिए जल्दी से करना शुरू कर दें। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था कि पॉपुलेशन शुरू की दी थी, बाद वाली पूछी थी, अब बाद वाली दी है, शुरू की पूछी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है क्वेश्चन, लेकिन अगर आप उसी मेथड से करेंगे जो हमने आपको बताया था तो बहुत ईजी क्वेश्चन ये बनने वाला है, ठीक है। जल्दी से कर लें, सबसे पहले तो 16 से ही 2/3% को क्या बोलते हैं इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद 37.5% जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको क्या बोलते हैं लिखेंगे, और 57 से ही 1/7 को क्या बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको कल भी बहुत सारे एग्जाम्पल में सारी परसेंटेज बता रखी है। तो 16 से ही 2/3 को 1/6 बोलते हैं, 37.5% को 3/8 बोलते हैं, नहीं पता तो पुराने पार्ट देखो और याद करना शुरू कर दो, 57 से ही 1/7 को 4/7 बोलते हैं, ठीक है। चलिए इतना मुझे पता चल गया। अब एक सीधी सीधी सी बात है भैया कि जब यहाँ पे इंक्रीमेंट है तो ये 1/6 यानी कि 6 के अंदर 1 का इंक्रीमेंट, यही तो बोल रहा है ये मतलब होता है कि 6 का 16.5% या 16 से ही 2/3% होता है 1, और अगर 16 से ही 2/3 की बढ़ोतरी हुई है, मैं अगर मान लूँ पहले कितना था 6, तो 1 की बढ़ोतरी होने के बाद बन जाएगा 7, तो यानी कि 7/6, और मैं इसे कहूँगा कि पहले कितना था इतना और अब कितना हो गया इतना, ये है मेरा रेशियो।
या मैं इसे बटे में लिख रहा हूँ, इसे मैं रेशियो भी बोल सकता हूँ कि भैया ये 7/6, कि पहले 6 बच्चे थे अब 7 बच्चे हो गए टोटल पॉपुलेशन, पहले 6 पॉपुलेशन थी अब 7 पॉपुलेशन हो गई है। ठीक है चलिए, अब क्या है, अब मैं दूसरे ईयर की बात करूँगा। तो दूसरे ईयर की जैसे ही बात करूँगा यहाँ पे, तो आप कहेंगे दूसरा ईयर आ जाओ, दूसरे ईयर में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि 8 के अंदर -3 की कमी, 3 की कमी। तो आप बोलेंगे कि भैया पहले अगर 8 था तो अब रह जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 के अंदर 4 की बढ़ोतरी। तो आप कहेंगे अगर भैया पहले 7 था तो अब बन जाएगा 11। अगर मैं इसको कहीं सॉल्व करने की कोशिश करूँ, मैंने समझाया था काट भी सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि 11 पंजे 55 और 8 छंग 48, नीचे लिख दें थोड़ा सा, 11 पंजे 55 और 8 छंग 48। क्या कहता है 11 पंजे 55 और 8 छंग 48? ये सीधा सा बोलता है एक छोटी सी बात कि पहले तो था 48, पहले तो थे 48 लोग पॉपुलेशन सिटी में और अब हो जाएंगे 55, यही तो बोल रहा है ये। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि भैया पहले 48 थे अब हो गए 55, तो अब की वैल्यू दे रखी है, अब की वैल्यू दे रखी है, इसमें क्या दे रखी है, अब की वैल्यू आफ्टर 3 ईयर तो इतना दे रखा है, यानी कि 55 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 16,500। तो 48 की वैल्यू निकालनी है, ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छे, बहुत से लोगों ने आंसर दिया है, तो इसको करना शुरू कर दें। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें पहले, यहाँ पे 55 यूनिट की वैल्यू 16,500 है, तो 1 यूनिट की निकाल लो पहले, 11 से काट दो, 11 पंजे 55, 11 पंजा 11 55, 11 और ये कटा 5 से 3 बार, 301 यूनिट की वैल्यू 300, तो 48 यूनिट की वैल्यू 48 × 300 मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, 2 जीरो लगा दो, 8 3 24, 4 4 3 12, ठीक है, 12 और 2 4 144 00, समझ में आ गया सबको। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, आई होप कि आपको ये टाइप का सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये परसेंटेज इतनी टिपिकल है यहाँ पे कि अगर आप इसको किसी भी मेथड से यहाँ पे करने की कोशिश करोगे तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है, पर ये जो तरीका मैंने आपको समझाया ये बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल आपके सामने आता है, अब कुछ सक्सेसिव वाली बात कर लेते हैं हम। कौन सी बात करेंगे हम, अब सक्सेसिव वाली बात करेंगे। ठीक है, वो क्या है, अभी भी सक्सेसिव वाली बात ही तो थी, जब एक के बाद दूसरे पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, फिर दूसरे के बाद तीसरे में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, यानी ये पहला ईयर हो गया, ये दूसरा ईयर हो गया, ये तीसरा ईयर हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इतनी बात समझ में आई, सवाल है आपका, समझेंगे इस बात को। एक दुकानदार 2 डिस्काउंट देता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझेंगे, 2 डिस्काउंट देता है, वो डिस्काउंट कैसे हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 50% एंड 40% का, सक्सेसिव, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट को हिंदी में बोलेंगे क्रमागत। ठीक है, तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 50% और 40% का, तो उसने पूछा है टोटल डिस्काउंट कितना दिया दुकानदार ने। बिल्कुल, अब आप कहेंगे कि भैया टोटल डिस्काउंट तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, x + y + xy/100 ऐसे भी निकालेंगे, मैं आपको समझाऊंगा वो बात भी, लेकिन अभी मेरे हिसाब से ऐसे कर लो आप कि 50% का रेशियो होता है 1/2, और 40% को रेशियो में कैसे करते हैं, 4/10। कैसे निकाला मैंने 4/10, क्योंकि 10% का रेशियो होता है 1/10, अगर दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 40% हो जाएगा, 4/10, काटने की जरूरत नहीं, इतना बन गया। अब उसने कहा देखिए डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है डिक्रीमेंट। ठीक है, तो वो कहना चाह रहा है कि उसने अपनी एक शर्ट बेच रहा है, कोई सामान बेच रहा है, पहले 50% का डिक्रीमेंट करता है उस पर, और फिर यहाँ पे 40% का डिक्रीमेंट करता है, यही तो कहने का मतलब है। यानी कि पहले अगर वो चीज़ कोई 2 रुपये की है तो अब वो 2 में 1 की कमी कर देगा, 2 में 1 की कमी करेगा, फिर से वो 1 ही बचेगा मल्टीप्लाई, और कोई चीज़ अगर वो 10 रुपये की है तो अब कितने की बेचेगा, वो 6 की, क्योंकि 4 रुपये की उसने क्या कर दिया है, कमी कर दी है। ठीक है, 10 में 4 की कमी मतलब 6/10, इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, इसको अब आप बड़े आराम से कर लेंगे कि भैया 2 से कटाई हो 3 बार, तो ये आ गया 3/10। क्या कहता है 3/10, मैं हमेशा समझाते आ रहा हूँ कि भैया पहले कोई चीज़ 10 रुपये की थी, अब वो मिलेगी 3 रुपये की, यही तो कहता है कि पहले वो 10 रुपये की थी, अब मिलेगी 3 की, यानी कि डिस्काउंट कितना मिला, 7 रुपये का डिस्काउंट, तो 10 के हिसाब से 7 कितना होता है, 70%। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आंसर निकाला है बहुत अच्छे, लेकिन यहाँ मुझे सक्सेसिव समझाना था, तो ये समझाने के लिए मैंने सिंपल वाली परसेंटेज ली है। ठीक है, सिंपल वाली परसेंटेज ली है, टिपिकल परसेंटेज आएगी तो भी आप चुटकियों में यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो 70% सबको समझ में आ गया, मैं दूसरे तरीके से भी सक्सेसिव आपको इसी वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। अगला सवाल है, 3 डिस्काउंट दे रखे हैं उसने, अब मैं शॉर्ट में लिखने की वाली बारी आ गई है, 30
प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है, 20% का डिस्काउंट मिल रहा है और 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट का मतलब ही डिक्रीमेंट होता है। उसने रेट पहले 30% घटाए, फिर 10% घटाए, फिर 20% घटाए, ठीक है, आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। वो बोल रहा है टोटल कितना डिस्काउंट दिया, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब आप अपने पिछले वाले फॉर्मूले से तो कर सकते हैं x + y x + xy / 100, बट यहाँ पे करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो 30% को पहले रेशियो निकालो आप। तो आप कहेंगे भैया 30% का रेशियो होता है 3/10, होता है कि नहीं? अरे 10% को बोलते हैं 1/10, तो 30% को 3/10, 20 को बोलेंगे 2/10, 1/5 ही बोल सकता हूँ, बट मैं 2/10 बोलूँगा यहाँ पे, ठीक है, और 10 को बोलते हैं 1/10, क्योंकि नीचे 10 10 10 सबका सेम आ गया, बड़े आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, यानी कि 10 के अंदर उसने 3 रुपये की कमी करी, माइनस 10 के अंदर उसने 2 रुपये की कमी की, और 10 के अंदर उसने 1 रुपये की कमी की। इसका मतलब ये है, यानी कि पहले वो उसने 10 रुपये वाली चीज़ 8 में बेची, यानी कि अब कितना है 8, और पहले कितना था 10 रुपये की चीज़, मल्टीप्लाई, सॉरी ये 3 है ना, तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, क्योंकि डिक्रीड हो रहा है, तो यहाँ पे 10 की जगह 9 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, बहुत ईजी है, 9 8 72 और 72 को 7 से गुणा कर लो, 7 2 14 4, 7 7 49, और यहाँ पे आ गया 50 504। इतनी बात समझ में आ गई, नीचे कितना आ गया, ठीक है, आपके सामने आ गया 1504/1000। इसका मतलब है कोई चीज़ अगर टोटल मिला के पहले इतने की थी, यानी मैं लिखता रहूँगा बार बार कि भैया पहले इतने था तो अब हो जाएगा इतना, यही तो कहना चाह रहा है। डिस्काउंट कितने का मिला उसे, 1000 में 504 रुपये की चीज़ मिल रही, तो 496 रुपये का डिस्काउंट मिला, तो 496 रुपये का डिस्काउंट मिल गया उसे, 496 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, किस पे मिला, 1000 रुपये मिला। परसेंटेज निकाल लो, कितने रुपये का डिस्काउंट आ गया, 2 0 से 2 0 काट दिया, 1 0 की वजह से यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो 49.6%। समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को, ठीक है, यानी कि 3 डिस्काउंट भी आ गए तो भी बड़े आराम से आप यहाँ पे करने वाले हो, अगर ये परसेंटेज टिपिकल भी हो तो भी आप बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक सवाल कर लेते हैं, सवाल है सवाल कहता है डिस्काउंट देखते हैं यहाँ पे कि उसने सक्सेसिव डिस्काउंट किए हैं, थोड़ा सा टिपिकल बनाते हैं। सबसे पहले एक डिस्काउंट दिया उसने 66/2/3% का, उसके बाद उसने डिस्काउंट देने की कोशिश की है 16/2/3% का, उसके बाद उसने डिस्काउंट दिया 33/1/3% का। आपको बताना है कि टोटल कितना डिस्काउंट दिया उसने कस्टमर को। तो सबसे पहले 66/2/3 का परसेंटेज फ्रैक्शन में लिखेंगे, फिर 16/2/3 को लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। तो करना बड़ा आसान है, जैसा कि मैंने बताया 66/2/3 को आप 2/3 बोलते हैं, बताया हुआ है वीडियो के शुरू में भी, 16/2/3 को आप 1/6 बोलते हैं, 33/1/3 को 1/3 बोलते हैं, यानी इतने इतने कि उसने घटाया, 3 में 2 रुपये कम किए, 6 में 1 रुपया कम किया, 3 में 1 रुपया कम किया, यही तो है। तो पहले कोई चीज़ 3 की थी तो अब 1 की मिलेगी, मल्टीप्लाई, पहले कोई चीज़ 6 की है तो अब 5 की मिलेगी, क्योंकि 1 की कमी की है, पहले कोई चीज़ 3 की थी तो अब 2 की मिलेगी, यही तो कॉन्सेप्ट कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। काटना चाहो तो काट दो, 2 से कटाइए 3 बार, ठीक है, तो आपका आ गया 5/3 3 9 27। इसका मतलब है 27 वाली चीज़ अब मिलेगी 5 की, भैया ये पहले मिलती थी और ये अब मिलती है, यही तो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तब से। तो कितने का डिस्काउंट मिला, 22 रुपये का डिस्काउंट मिला 27/100। परसेंटेज में निकालने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो आप परसेंटेज में निकाल सकते हो। अच्छा, ये वाला परसेंटेज कैसे निकालोगे, अगर आपने पार्ट नंबर 2 नहीं देखा है तो पार्ट नंबर 2 देख लो, क्योंकि पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको इससे ऐसे छोटे छोटे परसेंटेज निकालना आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पार्ट नंबर 2 देख लो आप, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है आपका। अगला सवाल कहता है, पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। उसने इस तरीके से बोला है कि एक विलेज की पॉपुलेशन, एक गांव की पॉपुलेशन 64,000 है। क्या है, एक गांव की पॉपुलेशन 64,000 है एंड इट्स एनुअल इंक्रीमेंट इज 10% और 10% के रेट से बढ़ती है, 10% के रेट से, हिंदी इंग्लिश में लिख देते हैं, बढ़ती है, 10% के रेट से उसे बढ़ना है।
अब आपको बताना है कि आफ्टर 3 ईयर्स कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, कितनी होगी, क्या कितनी होगी, पॉपुलेशन कितनी होगी 3 साल के बाद कितनी होगी, यही तो मतलब है। अच्छा सोच के देखिए कि 10% को हम बोलते हैं 1/10। चलिए पहले सॉल्व करने की कोशिश की, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे सारे बच्चे, यहाँ पे सारे बच्चे आंसर बताएंगे कि भैया क्या इसका आंसर हो सकता है। सोच के देखिए और आंसर बताइए, थोड़ा सा ट्रिकी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे, 10% ऑफ रेट से बढ़ती है तो क्या करेंगे। अब देखिए 10% को 1/10 बोलते हैं, क्या मतलब होता है 1/10 का, मतलब होता है कि 1/10 का मतलब होता है कि 10 अगर है पॉपुलेशन आज तो 1 घट जाएगी, क्योंकि 10 का 10% तो 1 होता है, 10 अगर पॉपुलेशन आज है तो 1 कम हो जाएगी यानी कि 9 रह जाएगी। तो मैं अगर कहूँ कि भाई पहले अगर 10 है तो अब रह जाएगी 9, नहीं बढ़ रही है ना यहाँ पे, तो 11 हो जाएगी, सीधी सी बात है ना, अगर घटेगी तो 1 कम होगी, बढ़ेगी तो 1 ज़्यादा होगी। अच्छा पहले साल अगर इतनी बढ़ेगी तो दूसरे साल भी तो इतनी बढ़नी है, फिर से 10% का रेट है, अच्छा फिर से 10% का रेट है, तो कितना इजी सवाल है ना। तो आप समझ सकते हैं 1331 मल्टीप्लाई होता है 11 का क्यूब और नीचे 1000 आ जाएगा। तो आपने देखा 1000 पे 1331 हो गया, तो पहले इतनी पॉपुलेशन थी ये इधर और अब इतनी हो गई है, यानी कि 331 यहाँ पे 331 बढ़ गई है, और किस पे बढ़ी है 1000 पे, 1000 लोगों पे 331 लोग बढ़ जाएंगे आफ्टर 3 ईयर, तो इतना परसेंटेज आ जाएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन 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 यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछी, उसने बोला कितनी होगी, तो कितनी होगी निकालने के लिए एक काम करेंगे आप, आपको पता है कि पहले कितनी थी 1000, पहले कितनी थी 1000 यूनिट, मैं नीचे लिखूं कि पहले कितनी थी 1000 यूनिट, और वो 1000 यूनिट किसके बराबर थी 64,000 लोगों के, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 64,000 लोग। तो अब वो पूछ रहा है 1331 किसके बराबर होगा, 1331 किसके बराबर होगा, तो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो काटा तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी, तो 64 को आप 1331 से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके ऑप्शन भी मैं आपको और दूँ तो बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 80,000 और 85,184 और 85,000 और 85,100। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा ये लग जाएगा, क्योंकि लास्ट की डिजिट अगर आप देखोगे यहाँ पे ये 4 है और ये 1 है, मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 4 ही तो आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, सो ऑप्शन नंबर टू इज़ द करेक्ट वन। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल डेप्रिशिएशन का था। अभी देखिए पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन अगर पॉपुलेशन की जगह अगर मशीन की वैल्यू की बात करें, डेप्रिशिएशन होता है कोई मशीन की वैल्यू, अगर 1000 रुपये की मशीन है तो कल को उसकी वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि उसका इंजन घिस गया, उसका डेप्रिशिएशन हो गया, वियर एंड टीयर हो गया है ना। तो वैल्यू ऑफ अ मशीन, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, सवाल का आंसर आप लोग बताएंगे, वैल्यू ऑफ अ मशीन इज 6,250 रुपये। यहाँ तक समझ में सबको आ गया होगा कि एक मशीन की वैल्यू 6,250 है, और लिखा है इट डिक्रीजेज बाय 10% रेट, इट डिक्रीजेज बाय 10% रेट, यानी 10% के रेट से घटती है। आज अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है वो 90 रुपये की रह जाएगी अगले साल, और उसके अगले साल 90 का 10% यानी कि 9, अब वो 81 की रह जाएगी, तो हर साल 10% घटती है। ठीक है, डिक्रीजेज ऐसे लिखा है, डिक्रीजेज बाई 10% इन फर्स्ट ईयर। ठीक है, सेम भी हो सकता है, पर फर्स्ट ईयर में क्या है 10% घटती है, सेकेंड ईयर में 20% घटती है इन सेकेंड ईयर, और थर्ड ईयर में 30% घटती है। किसी मशीन की वैल्यू 6,250 है, पहले साल में 10% घटती है, दूसरे साल में 20% घटती है, तीसरे साल में 30% घटती है, तो आपको बताना है, ये पूरा क्वेश्चन दिखता रहे आपको, तो आपको बताना है कि अब मशीन की वैल्यू आफ्टर 3 ईयर कितना हो जाएगी, जल्दी से आंसर बताएंगे, आफ्टर 3 ईयर मशीन की
वैल्यू कितना होगी। तो इसमें करने का कॉन्सेप्ट सेम है, इसको बोलते हैं, देखिए अब मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, 10% को 1/10 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब घट रही है मशीन तो 9/10 हो जाएगा, ठीक है। 20% को आप 2/10 बोलते हो कि नहीं, या 1/5 बोलते हो? मैं 2/10 बोल रहा हूँ, एक ही बात है। तो 8/10 रह जाएगी कि नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। और 30% को मैं 3/10 बोलता हूँ तो रह जाएगी कितना? 3/10, 7/10 रह जाएगी वैल्यू, क्योंकि 3 की कमी हो जाएगी तो कितना आ जाएगी? 7/10 रह जाएगी। अच्छा, इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करने लगूँ तो आपका आ जाएगा 9×8 72 और 7 की मल्टीप्लाई 504, तो 504/1000, यानी कि पहले उस मशीन 1000 रुपये की थी, अब रह जाएगी वो 504 रुपये की। लेकिन यहाँ 1000 रुपये नहीं है, यहाँ क्या है? 1000 यूनिट। तो 1000 यूनिट किसके बराबर है? आप कहेंगे 6250 के। तो अब आपका आंसर होगा भैया, अब कितनी रह जाएगी? 504 यूनिट। तो 3 जीरो से काटा तो भैया ये दशमलव लग गया यहाँ पे, 6.25, तो 6.25 की मल्टीप्लाई 504 से कर दो और वो आ जाएगी 3150। 3150 आ जाएगी यहाँ पे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना आसान है, पहले आप 500 की जो है 6 से कर दो, 5×6 30, 3000। उसके बाद आप जो है 4 की मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 6 से 6×6 24, इस तरह से करके आप मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपको इतना समझ में आया। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेकिन कुछ मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है फैमिली के साथ, तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। वैसे भी कल संडे है, तो कल आपकी क्लास ऑफ रहने वाली है, ठीक है, कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी हमेशा संडे में। हम कोशिश करेंगे संडे में, आगे से नेक्स्ट संडे से कोशिश करेंगे कुछ स्पेशल कंटेंट लाने की कोशिश करें। तो अभी कुछ इमरजेंसी है मेरे साथ, तो 1-2 दिन क्लास बंद भी रह सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि रिकॉर्ड करके आपको मंडे यानी कि मंडे की शाम को 8 बजे एक वीडियो दी जाए, जिसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चंस पे डिस्कस किया जाए। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे परसेंटेज के, तो परसेंटेज को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप देखेंगे 4-5 दिन में आपका परसेंटेज ऐसा हो जाएगा कि आप बाकी के सारे टॉपिक को बड़े आराम से क्लियर करने लायक हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बताएंगे कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट और कैसी लगी ये वीडियो। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा, एंजॉय आ रहा होगा। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे, अगर आप अपने फ्रेंड्स में शेयर और लाइक करेंगे वीडियो को, तो हमें अच्छा लगेगा, पता लगता है कि कितने ज़्यादा शेयर हुई है वीडियो, ठीक है, कितने लोगों तक हम पहुँचे हैं, कितनी वीडियो पर लाइक मिले, पता चलता है सब कुछ, ठीक है। और कमेंट करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, आप बताइए कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, बने रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और सिलेक्शन कहीं ना कहीं जरूर लेना है। चलिए, बाय बाय।